नैयर जमाल अशरफ आजम भी पिट गए। अगर कोई हूं तो माफ कर दो। नैयर जमाल अशरफ आजम भी पिट गए, कुवे बुता में शेख मुकर्रम भी पिट गए, दीवाने पन में किबला आलम भी पिट गए, हम थे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए। जो बात अपनी घर में थी वो बात भी गई, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा न कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे में सरे कूचे हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब। पहचानता नहीं हूँ खुद अपने खुसर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। नहीं अब उनके बीमारे मोहब्बत को कोई शिकवा, न टूटा आसरा कोई न दिल का आईना टूटा, अजब चालाक है वो उनकी चालाकी का क्या कहना, मरीज गम से वादा कर गए हैं पांचवे दिन का, मरीज गम से वादा कर गए हैं पांचवे दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया चार दिन की है। रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सर लगता है, मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो चार पॉपुलर, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मैं तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और न कुछ माल कमाने में मजा आता है, नाम खुजली का बुरा लगता है सबको लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है, बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। छह महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में डर लगता है। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साये में खड़ा है। और शादी जो हो गई तो दुल्हन घर में आएगी, बर्बादी हयात का सामा किए हुए, इससे तो ये भला है कि हम यूं ही पॉपुलर बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे एक रेंडवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा 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 वलीमा। अच्छा। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया, अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। मुल्ला जी की बीवी का जवाब कि चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हुए,
यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायदा उसने लिया, अपने शौहर की नज़र का जायदा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आए उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, यह है किस किस की निशानी, ये हथिये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ऐ मेरी प्यारी दुल्हन, ऐ आफ्ताब व महताब, बेगमाते साबिका जो इस जहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगारें दिलनशीं। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा।